मॉर्निंग उठ के मैंने रमा लेक कर ली थी, बाकी साथी नाश्ता नुश्ता करके अब सामान बांध रहे हैं और इंशाल्लाह आज रात हम कैंपिंग करेंगे नांगा पर्वत बेस कैंप पे रूपल वाली साइड से। मंजिलें चाहें जितनी भी ऊंची क्यों ना हों, मंजिलें चाहें जितनी भी ऊंची क्यों ना हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बेस कैंप जाने के लिए हम लोग अस्तोर से गोरीकोट के रास्ते त्रिशिंग वैली की तरफ रवाना हुए। अगर नांगा पर्वत की बात करूं तो नांगा पर्वत दुनिया की नवीं और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, जो कि सतह समंदर से 8126 मीटर की बुलंदी पे है। इस पहाड़ को कातिल पहाड़ भी बोला जाता है, जिसे सर करते बहुत से कोपेमा अपनी जान की बाजी हार गए। अस्तोर से गोरीकोट का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर है, जो कि बड़े आराम से आधे घंटे में तय हो जाता है। गोरीकोट से आगे एक ब्रिज आता है, जहां से एक्चुअली रास्ता डाइवर्ट होता है। एक रास्ता देसाई की तरफ जाता है और एक रास्ता रूपल वाली साइड पे एंटर होता है, जो कि एक छोटा सा दरिया है। दरिया के साथ साथ वो एंटर होना है आपने। अच्छा, ये पुल क्रॉस करने लगे हैं त्रिशिंग की तरफ टर्न लेने के लिए हम। ओए हाय हाय, चेक करो। ओए ओए ओए, सुभान अल्लाह। वो चेक करें, गदला पानी है वो वाइट पानी। ऐसे फील हो रहा है जैसे इंसान किसी जन्नत की तरफ रवा दवा हूँ। रूपल ग्लेशियर से निकलते हुए इस दरिया के साथ साथ रास्ता इंतहाई एडवेंचरस और खूबसूरती से भरा हुआ है। इस पुल से करीबन 15 मिनट की मुसाफत के बाद मुर्शत नांगा पर्वत का पहला दीदार नसीब हो जाता है। ये है नांगा पर्वत। सामने है नांगा पर्वत और हम जा रहे हैं रूपल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे आप नांगा पर्वत के पास जाते हैं, आपकी एक्साइटमेंट और हार्ट बीट जरूर तेज होती है। आए हाय हाय हाय, अस्तोर से त्रिशिंग वैली तक रोड कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और आप अपनी आम गाड़ी पे भी त्रिशिंग वैली तक आ सकते हैं। सारी मेडल आमद ही होगा खूबसूरत, इसका भी अपनी नज़ारा है यार। त्रिशिंग तक रोड कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का है, बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक मैं इसे नहीं बोलूँगा। इस टाइम हम त्रिशिंग में आ गए हैं, त्रिशिंग से नेक्स्ट इंशाल्लाह रूपल, रूपल से फिर नांगा पर्वत बेस कैंप। चौंगड़ा पीक और नांगा पर्वत के आगोश में त्रिशिंग एक इंतहाई खूबसूरत गांव है, जहां टूरिज्म के लिहाज से हर चीज़ अवेलेबल है, होटल फैसिलिटीज़, खाना, कन्वेंस, और सबसे बढ़ के यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं।
ही है ना। बस आइए पैदल। त्रिशिंग गांव के अंदर से ही एक ट्रैक निकलता है जो कि रूपल वाली साइड पे जाता है और यहीं से ही एक्चुअल ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है। और इस ट्रैक को आम गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं कि ये जीप ट्रैक है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ये जी सामने नांगा पर्वत और ये है रूपल और हम इस टाइम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं और वन मैन वन बाइक ये थोड़ा सा है जो ट्रैक ऊपर को जाएगा। हाय रस्ता भी हो जी थोड़ा पुश करो थोड़ा पुश थोड़ा जा कैची तेरा बंदा नहीं ठीक है बंदा तेरे ना ढिला अमर में पुश करे इस तरह। स्पेशली न्यू बाइकर्स को कहूंगा कि जब भी ऐसे ट्रैक करें तो बिला ज़रूरत बाइक का ज़ोर मत लगाएं बल्कि मोशन बना के बाइक को ऊपर लेकर जाएं। पुश करे पहुंची ग्लेशियर त्रिशिंग गांव क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम लोग टॉप पे आए तो दूसरी साइड पे ग्लेशियर्स की एक वसी रेंज नज़र आई। चढ़ी जाओगे यार थले बेस कैंप बैठो अमर भाई। नज़रों के सामने ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स थे और दूसरी साइड पे रूपल नज़र आ रहा था। अब हम लोग इस कश्मकश में थे और ये आइडिया लगा रहे थे कि रूपल को एक्चुअल रास्ता कहाँ से जा रहा है, आया ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद रूपल पहुँचेंगे या कोई और रास्ता है। फिर मुकामी लोगों ने हमें बताया कि ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद ही हम रूपल पहुँचेंगे। ऐसे तो वो भी रास्ता जाता है ना, वो देखे इलाका ये उधर जा रहा है सारा हैं सीधी सड़क हैं ऊपर चढ़ के और सीधे करके और इतने में दानी लगता है। चले लोगों किधर जा रहा है? नीचे कहाँ पे करके बहुत जाना किधर है बेस कैंप जाना है यार। हम मेनू की पता थल्ले ही है ना, वो कहना नीचे हो बेस कैंप तो रास्ता नीचे निकलता नीचे तो यार उधर ले साइड निकल जाओ बेस कैंप आ जाओ उधर ले साइड।
अमर भाई पूछ के जरा उससे और नांगे ही पीछे रुपल वैली वो है फिर रुपल यार आ जा यार चलो नीचे हले रोशनी हैगी है यार बिछड़े टाइम पे 3 घंटे पे आ अमन पुश कर मैंने उतर के अमन उधर पुश कर मैंने फटा दो मोबाइल। त्रिशिंग से हरले क्रूफर बेस कैंप जाते हुए मेरे ख्याल में ये सबसे टफ पैच है जो कि ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद रूपल रूपल से फिर ऑनवर्ड नागा पर्वत या हरले क्रूफर बेस कैंप। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात रूपल और नांगा पर्वत बेस कैंप की करूँगा जिसको के हरले क्रूफर बेस कैंप बोला जाता है। हरले क्रूफर बेसिकली एक जर्मन कोपेमा कार्ल हरले क्रूफर हैं जिनके नाम पे इस बेस कैंप को तशबीह दी जाती है। रूपल साइड से नांगा पर्वत को दुनिया की बुलंद तरीन बर्फानी दीवार भी बोला जाता है। 1970 तक किसी भी कोपेमा ने नांगा पर्वत को रूपल साइड से सर नहीं किया था, लेकिन 1970 में कार्ल हरले क्रूफर की सरबराही में कोपेमाओं की एक टीम रूपल साइड से नांगा पर्वत को सर करने पहुंची थी। अब ये वही एक्सपीडिशन थी जिसने कोपेमाई की दुनिया में हलचल मचा दी थी। नांगा पर्वत देखते हैं, नांगा पर्वत ये ग्लेशियर, ये अभी हम ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता निकलेगा रूपल का, रूपल से आके फिर बेस कैंप पे। बहुत टफ रास्ता के सम बोले है ही नहीं, बस ग्लेशियर के ऊपर पत्थर पड़े, ग्लेशियर के ऊपर से आपने आना है। राज साहब वापस जाना, कहने मोटरसाइकिल ने क्यों अलाउ नहीं किया बंदा। 1970 की उस एक्सपीडिशन की बात करने से पहले मैं बताता चलूं, जैसे ही हम लोग रूपल पहुंचे तो हमें पता चला कि हालिया किसी बारिश की वजह से बेस कैंप को जाने वाला रास्ता टूट चुका था और बाइक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं और मेरे दो साथी बाइकें रूपल खड़ी करके बेस कैंप की तरफ पैदल निकल पड़े। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस काबिल नहीं कि तेरी शान बयान कर सकूं, बस तेरी निशानियां देखता हूं तो सर खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है। नांगा पर्वत को यूं इतने पास देखा तो एहसास हुआ कि मैं कितना कमज़ोर, कितना छोटा और कितना हकीर हूँ। बेस कैंप से वापसी, रूपल से अपनी बाइक्स उठाई और अपनी कैंपिंग साइट पे चल पड़े।
चाहकर भी हम बेस कैंप पे कैंप ना कर सके। वजह ये कि हमारे साथी रूपल और त्रिशिंग के दरमियान जहाँ से नांगा पर्वत का व्यू आता है उस जगह पे ऑलरेडी जाके कैंप कर चुके थे। अब यहाँ से फिर मैं 1970 की उस एक्सपीडिशन का जिक्र करूँगा जो कि बात अभी अधूरी थी। हुआ कुछ यूँ था कि मौसम की ख़राबी की वजह से नांगा पर्वत की इस एक्सपीडिशन को वाइंड अप किया जा रहा था, लेकिन एक अजीम कोपेमा रेन होल्ड मैसनर के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अकेले ही इस एक्सपीडिशन को कामयाब बनाने की ठान ली और अकेले ही बेस कैंप से नांगा पर्वत सर करने के लिए चल पड़े, और वो भी विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन रेन होल्ड मैसनर को क्या पता था, थोड़ी ही देर बाद उनके भाई गुंतर मैसनर भी उनके पीछे हो लिए। जब रेन होल्ड मैसनर तकरीबन 7000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गए तो उनके छोटे भाई गुंतर मैसनर भी उनके पीछे पीछे उन तक पहुंच चुके थे, और फिर दोनों भाइयों ने नांगा पर्वत को रूपल साइड से सर किया। दुनिया की बुलंद तरीन बर्फानी दीवार सर हो चुकी थी, लेकिन मसला ये था कि छोटे भाई गुंतर मैसनर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो चुके थे। ना तो दोनों के पास ऑक्सीजन थी, ना रस्सियाँ के रूपल साइड से नीचे उतरा जा सके, इसलिए फैसला किया कि दियामीर वाली साइड से नीचे उतरा जाए। दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने और नीचे उतरते रहे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 4000 मीटर की बुलंदी पे छोटे भाई कुंतर मैसनर एक एवलॉन्च की जद में आ गए और मनो बर्फ थले कहीं दब गए। रेन होल्ड मैसनर 2 दिन तक अपने भाई की तलाश करता रहा, लेकिन जब मायूस हुआ तो नीचे उतरा और बेहोशी की हालत में किसी गांव में गिर गया, जहां मुकामी लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। और बेस कैंप पे बैठी टीम ये समझ चुकी थी कि दोनों भाई हलाक हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक्सपीडिशन वाइंड अप करके वापसी का रास्ता लिया। वापसी पे एक्सपीडिशन टीम का सामना रेन होल्ड मैसनर से हो गया, जहां रेन होल्ड मैसनर ने सारा वाकया बताया, लेकिन टीम ने रेन होल्ड मैसनर पे उसके छोटे भाई कुंतर मैसनर के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया और ये कहा कि दियामीर वाली साइड पे वो अकेला ही उतरा है और अपने भाई को कहीं मुश्किल में छोड़ आया था। आखिर 35 साल इस घिनौने इल्ज़ाम में रहने के बाद पाकिस्तानी पोर्टर्स को दियामीर वाली साइड पे 4000 मीटर की बुलंदी पे गुंतर मैसनर की लाश मिल गई, और इस बात को भी साबित कर दिया कि दियामीर वाली साइड पे दोनों भाई उतरे थे। गुड मॉर्निंग, इस टाइम हम मौजूद हैं त्रिशिंग नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। जो हमारा इरादा था वो था बेस कैंप का, जो यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स की राइड पे है, लेकिन ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो रिसेंटली हुई है, जो रास्ता है वो सारा बह गया है जो बेस कैंप को जाता है। और नज़ारा यहाँ से नांगा पर्वत का बहुत खूबसूरत है, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज माइटी नांगा पर्वत। मैं इस टाइम त्रिशिंग और रूपल के मिड पॉइंट पे हूँ। ये जो आपको गांव नज़र आ रहा है ये है स्तोर का त्रिशिंग। ये नांगा पर्वत है और वो सामने वो रूपल से थोड़ा सा आगे बेस कैंप है। ये ग्लेशियर है सारा नांगा पर्वत का, और जो त्रिशिंग से रूपल के लिए जो रास्ता है वो इन्हीं इसी ग्लेशियर के ऊपर से गुजरता है रास्ता। कल हमने किया पार बाइकों पे, बहुत पत्थर है, बहुत टफ रास्ता है। इस 11 बज गए हैं और सामान बांध दिया, हमारा एक मोबाइल गुम गया था जो कि एक स्लीपिंग बैग में था, वो सारा सामान फिर हमने डिसेंबल किया, उसको खोला और फिर उसमें से मिल गया हमें एटलीस्ट। वो बंदे की हिम्मत है।